मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी और अपने इलाके से एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ूंगी। आई वॉज लकी, मैं जीत भी गई। आप पॉलिटिशियन ज़हीर अंसारी की बेटी और आपकी छोटी अम्मी मुमताज अंसारी भी पॉलिटिशियन है, और अब आप उनकी पार्टी ही नहीं, आपकी छोटी अम्मी मुमताज अंसारी के खिलाफ निर्दलीय खड़ी। मुझे पूरा यकीन है जनता मेरी छोटी अम्मी को नहीं, मुझे एमएलए बनाएगी। तो ऐसे चिढ़ रहे हो जैसे कि उसने सच में इलेक्शन जीत लिया हो। वो ज़हीर अंसारी से नहीं, मुमताज अंसारी से इलेक्शन लड़ रही है। एक बार को वो आपको हरा देती, लेकिन मुझसे कभी नहीं जीत पाएगी। जब अहम से अहम टकराता है तो मैं किसी का नहीं जीतता है, और जब लड़ाई वर्चस्व की हो और आदत में हारना ना हो तो ऐसा द्वंद छिड़ता है कि प्रतिद्वंदी अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। आज का ये केस एक परिवार की तूतू मैमे के उस अतीत को दर्शाता है कि जिसमें जब सत्ता का रंग खुला तो रिश्तों का ऐसा चीरहरण हुआ कि इज्जत मान मर्यादा सबने दहलीज लांग दी। मुमताज जी, अब पार्टी में आपका कद आपके पति से भी ऊंचा हो गया है। पार्टी ने उनका पत्ता साफ करके आपको टिकट दिया है। इसे आपकी राजनीतिक उपलब्धि समझे या पति पत्नी के बीच की तकरार का संकेत? पति पत्नी के रिश्ते को राजनीतिक रंग मत दीजिए। लेकिन आपकी बेटी जोया, वो तो आपके खिलाफ निर्दलीय खड़ी हो गई। जोया और मैं सिर्फ विचार विरोधी हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं। अगर आप इलेक्शन जीत गई तो जनता के लिए नया क्या करेंगे आप? देखिए, वैसे मुद्दे तो कई हैं, लेकिन खास तौर पे मैं औरतों के लिए ऐसा माहौल बनाना चाहती हूँ ताकि वो अपने घरों में ही नहीं घर के बाहर भी सुरक्षित महसूस करें। घरेलू हिंसा जितना बड़ा मुद्दा है, उससे कई ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज हैं औरतों के साथ होने वाली छेड़छाड़, मोलेस्टेशन और रेप की घटनाएं। मैं खुद एक औरत हूँ, इसलिए औरतों की इज्जत और सम्मान के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मुख्तार साहब, अब मैं खाऊं या मेरी बीवी, थाली तो एक ही है। मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक दरख्वास्त है आपसे, लोकसभा चुनाव की टिकट बांटते वक्त मुझे तवज्जो जरूर देना। अगर अपनी पार्टी का भला चाहते हो तो अपनी बेटी जोया की जुबान को लगाम लगवाओ। वो सिर्फ तुम्हारे बीवी के खिलाफ नहीं, अपने पार्टी के खिलाफ भी बहुत कड़वा उगल रही है। साहब, हॉस्पिटल से फोन आया था, जोया मैम साहब को वहां पे एडमिट किया गया है। जैन सर जी, जी मैं जाके देखता हूँ जी। जोया, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? सर बेटा क्या हुआ तुम? जोया, अगर एक आगामी चुनाव कैंडिडेट के साथ ऐसा हादसा हो सकता है तो एक आम महिला खुद को कैसे सुरक्षित समझे? इस हादसे को पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी समझा जाए? पुलिस जोया अंसारी को लेकर कोई भी बयान देने से बच रही है। हालांकि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है जोया अंसारी का गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप? यस सर। सर, हमने डीएनए सैंपल, विक्टिम के कपड़े और बाकी सब कुछ एग्जामिन के लिए भेज दिया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या हम जोया से बात कर सकते हैं? सर, वो बेहद सदमे में है, कुछ बोल नहीं पा रही। मैं बोल रही हूँ ना, कोई रेप वेप नहीं हुआ इसका। मुझसे इलेक्शन जीतने के लिए जनता की झूठी हमदर्दी हासिल करना चाहती है, इसलिए नाटक कर रही है। क्या कहा तूने? हाँ,
नहीं आती तुझे? मेरी बेटी के लिए इतना गंदा बोलेगी? अरे माना ये तेरी अपनी नहीं है, लेकिन इसका बाप तेरा भी तो पति है ना? बीवी तो आप भी है इनकी, लेकिन आपकी बेटी नीचता में आपसे भी ऊपर है। नीच तो तू है, पेट में बच्चा डाल के रखेल से बीवी बन गई। अगर मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी और बोला ना, तो तेरा वो हाल करूंगी कि जनता वोट नहीं देगी, पत्थर बरसाएगी। वोट बैंक तो आपकी बेटी का भी नहीं बढ़ने वाला, वो तो हम देख ही लेंगे। बस करो, बस करो। यहाँ बेटी सदमे में है, तुम्हें वोट की पड़ी है? ये जरूर मुमताज ने किया होगा, वो मेरी बेटी से नफरत करती है, और जब से जोया उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई है, तब से तो वो उसे अपना दुश्मन ही मानने लगी है। लेकिन मुमताज तो आपके पति की दूसरी बीवी है, रिश्ते में तो वो भी जोया की माँ हुई। सत्ता के लिए तो लोग अपना जिस्म भी बेच देते हैं सर, फिर रिश्तों का क्या मोल है? नहीं सर, मेरी पहली बीवी नूरी जरा ज्यादा ही जज्बाती है, उसने मुमताज के बारे में जो कुछ भी बोला है वो सिर्फ उसका एक वहम है। आपको क्या लगता है आपकी बेटी के साथ जो ये सब हुआ किसने किया होगा? मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब मेरा शक पक्का हो जाएगा तब आपको बता दूंगा। किस पे शक है आपको? सर मैंने अभी कहा आपसे, फिलहाल उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता मैं। सर हमें नहीं पता जोया के साथ किसने क्या किया, हमें तो वो बेहोशी की हालत में मिली। सर ये जगह उसी इलाके में आती है जहां से जोया मुमताज चुनाव लड़ रहे हैं। यह आसपास छोटे छोटे गांव हैं जहां मुमताज ने कल एक रैली निकाली थी। वहीं पर जोया का प्रचार करने का तरीका बड़ा सिंपल है, वो अपने समर्थकों के साथ पैदल लोगों के घर घर जाकर वोट मांगती है। ये बात उसके समर्थकों ने हमें खुद बताई। सर जोया दोपहर 1 बजे तक कनुआ गांव में प्रचार कर रही थी, और फिर अचानक अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं पर निकल गई। कहां गई, क्यों गई, ये बात उसके समर्थकों को भी नहीं पता। आसपास के इलाके से कुछ मिला क्या? सर अभी तक तो नहीं, हमारी एक टीम सर्च कर रही है। जिस जगह जोया बेहोशी की हालत में मिली थी, पुलिस ने वहां से कनुआ गांव जाने वाले हर रास्ते को सर्च करना शुरू किया, और जो मंजर सामने आया वो यही बयां कर रहा था कि जोया एक बहुत बुरे हादसे का शिकार हुई थी। क्या गाड़ी के अंदर चेक करो। सर पटेल आसपास का एरिया अच्छी तरह से छान मारो। सर सर यहाँ से कनुआ जाने वाला रास्ता 1 किलोमीटर दूर है, यानी पहले वहाँ पर जोया को गाड़ी समेत किडनैप किया होगा, फिर यहाँ पे लाके रेप। जोया के साथ किसने क्या किया ये तो सिर्फ जोया ही बता सकती है। जो कुछ भी अब तक सामने आया था वो यही बयां कर रहा था कि जोया अंसारी के साथ गैंगरेप हुआ था। जोया की माँ और उसके समर्थकों के बयान मुमताज अंसारी को दोषी बता रहे थे। वही मुमताज अंसारी जोया के साथ हुए अपराध को नाटक का नाम दे रही थी, लेकिन वो कौन था जिस पर जोया के पिता जहीर अंसारी को शक था, और क्या वजह थी कि वो उस शख्स का नाम पुलिस को नहीं बताना चाहते थे? कहीं ऐसा तो नहीं जहीर को मुमताज पे शक है और वो मुमताज के खिलाफ इसलिए ना बोला हो क्योंकि मुमताज उसी की पार्टी में है, पार्टी और बीवी की छवि खराब ना हो इसलिए उसने चुप्पी साध ली हो? सर ये तो साफ है कि सिर्फ जोया मुमताज को चुनाव में हरा सकती है, लेकिन पड़ा मुमताज का भी कम भारी नहीं। अगर फिर भी मुमताज को इनसिक्योरिटी थी तो वो जोया का रेप क्यों करवाएंगे? इससे तो उसकी छवि पे ही दाग लगेगा। अगर ये काम मुमताज ने करवाया भी है तो पता ये लगाना है कि वो ये काम किससे करवा सकती है, और ये भी पता करने की कोशिश करो कि चुनाव प्रचार के बाद जोया कहाँ के लिए अकेले निकली थी। सर जोया के समर्थकों के बयान के मुताबिक जोया 1 बजे कनुआ गांव से निकली थी, और जोया के फोन की कॉल हिस्ट्री में उसको आखिरी कॉल 1:15 आदिल अंसारी का आया था। आदिल अंसारी? आदिल अंसारी कौन? मुमताज अंसारी का सगा बेटा और अंसारी खानदान का सबसे छोटा सदस्य। जोया बाजी से मिलना है। उनसे मिलने की परमिशन नहीं है। भाई हूँ उनका। माँ घाव देती है और फिर बेटा मरहम लगाने आ जाता है। इसी वक्त चले जाओ तुम यहाँ से। मैं जोया बाजी से मिले बिना नहीं जाऊँ। अरे रुको। जोया बाजी। अरे रुको। बाजी बताइए मुझे, इसने क्या आपके साथ ये सब? हाँ 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 हाँ
हाँ बाजी 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 डॉक्टर बाजी क्या डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से तुम्हारा नाम आदिल अंसारी है जी एसपी साहब तुमसे बात करना चाहते हो और मैंने आपसे कहा ना मेरी जोया बाजी से फोन पर बात जरूर हुई थी लेकिन मैंने उन्हें कहीं मिलने बुलाया नहीं था अच्छी तरह से याद करो जरूर तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें जोया बाजी को फोन करके कहीं बुलाने के लिए कहा होगा और अम्मी फोन करने को क्यों कहेंगी और रही बात जोया बाजी के साथ हुए हादसे की एक बार को मेरी अम्मी का हाथ उसमें हो सकता है लेकिन मैं जोया बाजी के बारे में ऐसा सपने में नहीं सोच सकता लगता है इस बार तुम्हारा वोट तुम्हारी अम्मी को नहीं तुम्हारी जोया बाजी को जाएगा सर अगर माँ चुनने का हक भी मुझे मिलता ना तभी मैं मुमताज अंसारी को अपनी माँ नहीं चुनता नेता चुनना बहुत दूर की बात हो गई आदिल बाबा से पुलिस हॉस्पिटल में कुछ पूछताछ कर रही है अपनी अम्मी से इतनी नफरत की कोई खास वजह है उन्होंने मुझे अपनी कोख भी इस वजह से दी कि मेरे अब्बू उनको अपनी बीवी बनाए एक औलाद पैदा करने के लिए जो औरत साजिश करे वो माँ तो हो ही नहीं सकती मुमताज के सगे बेटे का बयान भी मुमताज अंसारी की छवि पर सवाल उठा रहा था वहीं मौका वारदात पर मिली जोया की कार और अब जोया की मेडिकल रिपोर्ट भी यही बयां कर रही थी कि जोया अंसारी का गैंगरेप हुआ था लेकिन मुमताज अंसारी के तेवर इन दावों से अलग थे उंगलियां तो बहुत पहले से उठ गई थी मुझ पर इतनी देर से आए हैं तो मेरे खिलाफ कोई सबूत जुटा कर आए या फिर मेरे विरोधियों का झूठ हजम नहीं हुआ तो मेरा सच सुनने आ गए जोया की मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर आ रहे हैं ये साफ है कि जोया के साथ गैंगरेप हुआ है लेकिन अब आप कहेंगी कि जोया ने खुद अपना रेप करवाया है तो सवाल आप पे भी उठेगा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है आप ऐसा ऑफिशियली बयान देती भी तो जनता पूरी तरह आपके खिलाफ हो जाती लेकिन हाँ आपने हॉस्पिटल में जोया की माँ से यही बोला था यहाँ तक कि आपका अपना सगा बेटा भी आपके खिलाफ बयान दे गया देखिए एसपी साहब जोया ने मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़का के रखा है आप नहीं जानते वो क्या चीज़ है शातिर तो कम आप भी नहीं सुना है जिस टिकट पर आप चुनाव लड़ रही हैं वो टिकट पहले आपकी पार्टी जोया को देने वाली थी आपने जौहर दिखा के वो टिकट जोया से छीन लिया और जोया जब निर्दलीय खड़ी हुई तब आप अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं एसपी साहब मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए मुझे चुनाव प्रचार के लिए निकलना है जरा इलेक्शन निपट जाने दीजिए उसके बाद तसल्ली से मिलेंगे वैसे भी अब आप जैसे मुलाजिमों के साथ चाय पानी तो लगा ही रहेगा जी मैं भी आप जैसे नेताओं को अक्सर अपने थाने की चाय भी पिला देता हूं उम्मीद है आपको ये मौका चुनाव से पहले मिल जाएगा चलते हैं पुलिस अब अंसारी खानदान का इतिहास खंगाल रही थी और घर की चार दीवारी के राज पुलिस की चर्चा का विषय बन गए थे सर जहीर की दो बीवियों नूरी और मुमताज ये आपस में कभी नहीं बनी लेकिन जहीर अपनी पहली बीवी नूरी को बहुत लकी मानता है इसलिए उसने अपनी कंपनी का नाम नूर टेक्सटाइल और बंगलो का नाम नूर महल अपनी पहली बीवी नूरी के नाम पे रखा सर 20 साल पहले जहीर अहदे अमन पार्टी से विधायक बना तब मुमताज उसी पार्टी में एक मामूली सी कार्यकर्ता थी पार्टी के पुराने लोगों ने बताया कि मुमताज ने जहीर को सीडी की तरह इस्तेमाल किया और उससे शादी करने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि वो प्रेग्नेंट हो गई फिर जहीर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुमताज से दूसरी शादी की पहले अम्मी ने जो किया सो किया लेकिन इस बार जो उन्होंने किया इसके बाद मैं उनसे बचा कुचा रिश्ता भी खत्म कर दूंगा मैं सोच लिया कि मैं अम्मी को बाद में बात करता हूं किससे बात कर रहे थे मेरे दुश्मन भी तुझे अपने लगते हैं तुमको मैं अपना मानता हूँ आपको तो वो दुश्मनी दिखेंगे ना तू अपनी अम्मी को छोड़ के गैरों पर यकीन कर रहा है अफसोस तो इसी बात का है कि आप मेरी अम्मी हो और ये अफसोस मेरी जिंदगी भर रहेगा सर भले ही मुमताज जोया को पसंद नहीं करते लेकिन मुमताज का बेटा आदिल जोया को अपनी सगी बहन से बढ़कर मानता है लेकिन जहीर ना तो अब नूरी को छोड़ने का रिस्क उठा सकता है और ना ही मुमताज को क्योंकि अब उसका पॉलिटिकल करियर कुछ खास नहीं चल रहा और घोटाले में उसका नाम आने के बाद से पार्टी भी अब उसे नजरअंदाज कर रही है इसलिए इस बार टिकट मुमताज को मिला
और मुमताज की इस समय पार्टी में वो पोजीशन है कि जहीर भी अब उसकी पूंछ बन के फिरने पे मजबूर है। शाह घायल शेर कभी भी पलट के वार कर सकता है। इस जहीर ने अभी तक हमें यह नहीं बताया कि इसे शक किस पे है। कहीं ऐसा तो नहीं ये खुद कोई गेम प्लान कर रहा है। तुम्हारी बेटी अब तुम्हारे बीवी और पार्टी के खिलाफ ना बोले, इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मेरी बात मानिए, मेरी बीवी का नाम वापस लेके उसकी जगह मुझे खड़ा कर दीजिए। मेरी बेटी मेरी बीवी के खिलाफ मेरी बीवी की जगह पे अपने बाप को देखेगी तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। अगर तुम्हारी बेटी ने पार्टी के खिलाफ भी बोला तो भी ये चुनाव तुम्हारी बीवी ही लड़ेगी, क्योंकि जोया के कहने से अगर हमने मुमताज का टिकट वापस ले लिया तो जनता को उसका बोला ही सच लगेगा। इसलिए जितना बोला है उतना ही करो। शायद इस केस की दिशा अब जोया का बयान ही तय करेगा। यह भी हो सकता है कि मुमताज या उसकी पार्टी जहीर के जरिए जोया को उनके खिलाफ बयान ना देने के लिए धमकाए। ये जोया की निगरानी कड़ी कर दो, क्योंकि जोया का बयान इस चुनाव का समीकरण बदल सकता है। जोया अब सच बोले इस बात की जिम्मेदारी भी हमारी है। पुलिस ने अब जोया की निगरानी कड़ी कर दी थी, बस इंतजार था जोया के बयान का, जो इस केस को एक नई भूलभुलैया में उलझाने वाला था। जोया, आपके समर्थकों ने बताया कि आप उनके साथ चुनाव प्रचार कर रही थी और अकेले कहीं निकल गई, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? कहां के लिए निकली थी आप? आप पे चुप रहने के लिए कोई किसी तरह का दबाव तो नहीं बना रहा ना? कहीं ऐसा तो नहीं आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगी? जो खुद से हार गई हो वो जनता के लिए चुनाव क्या लड़ेगी? आपने हार स्वीकार कर ली या चुप रह के जीतने की रणनीति बना रही है? मैं कोई रणनीति नहीं बना रही हूँ। तो फिर आप बोलती क्यों नहीं कि आपके साथ ये क्या हुआ, किसने किया? मैं नहीं जानती वो कौन थे। जब मुझे होश आया तो तीन चार आदमी हो रहे मेरे साथ। कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन जो आदमी जख्मी हालत में पड़ा था उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना था। शायद उसे पहले कहीं देखा है। उसका स्केच बनवा सकते हैं आप? सर ये स्केच तो होशियार सिंह का है, मुमताज का बॉडीगार्ड। अगर ये मुमताज का बॉडीगार्ड है तो फिर जोया को इसे देखते ही पहचान लेना चाहिए था, फिर उसने ये स्केच क्यों बनवाया? सर मुमताज ने होशियार सिंह को जोया के साथ हुए हादसे से एक हफ्ते पहले काम पे रखा था, शायद इसीलिए वो इसे ना पहचान पाई हो। शायद उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहां देखा है। जोया द्वारा बनवाए गए स्केच की पहचान मुमताज अंसारी के बॉडीगार्ड होशियार सिंह से हुई, लेकिन इससे पहले कि पुलिस होशियार सिंह को अरेस्ट करती वो फरार हो चुका था। मुझे नहीं पता कि होशियार सिंह कहाँ है और ना ही मैंने उससे कोई कांड करवाया है, ये सब जोया की चाल है। होशियार सिंह से जो कांड करवाया उसे मान लीजिए। मैंने कुछ नहीं करवाया और ना ही होशियार सिंह ने कुछ किया होगा, क्योंकि वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है और जिस दिन जोया ने ये रेप का नाटक किया वो उस दिन भी मेरे साथ ही था। तो फिर अब कहाँ गायब हो गया? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, जोया से पूछिए। हमें जिससे जो पूछना है हम पूछ लेंगे, लेकिन आप होशियार सिंह को फरार कराकर ये मत सोचिएगा कि चुनाव जीत जाएंगी। चलो शाह। सर होशियार सिंह आनंद का रहने वाला है लेकिन अभी तक अपने गाँव नहीं पहुंचा। इस होशियार सिंह के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, जिनके साथ भी उसने मिलकर यह कांड किया है हो सकता है उनको कोई क्लू मिले। आनंद, भरूच और आसपास के शहरों में भी होशियार सिंह के फोटो सर्कुलेट करवाओ। कैसे भी हो इस होशियार सिंह को ढूंढने की कोशिश करो। सर बाजी, जब से आपके साथ ये हादसा हुआ है मुझे पॉलिटिक्स से घिन हो गई। आप ये राजनीति छोड़ क्यों नहीं देते? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। तुम सही कह रहे हो आदिल, तुम जैसों की राजनीति में कोई जगह नहीं है, तुम जैसों ने ही राजनीति को गंदा करके रखा है। लेकिन बेटा इसने तो कसम खा रखी है ना, चाहे कपड़े उतारने पड़े या इज्जत बेचनी पड़े,
तुम 10 से मस नहीं होगी। आपने कभी अपने गिरेबान में झांका है? पहले अपने गिरेबान में झांके बाद में बाजी को बोलेगा आप? रहने दो आदिल, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं। ये तो हॉस्पिटल भी इसीलिए आई है ताकि जनता की सिंपैथी मिल जाए। इन जैसे लोगों के लिए ही तो मैंने राजनीति ज्वाइन करी थी, चाहे मुझे कुर्बानी क्यों ना होना पड़े, पर मरते दम तक टस से मस नहीं होंगी। तुम चाहे जो कर लो, लेकिन तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है, कुर्सी छीन नहीं पाओगी तुम। सर, होशियार सिंह की फोन लोकेशन क्राइम सीन से मैच नहीं होती है। जब क्राइम इतनी प्लानिंग के साथ किया गया हो तो वो अपना फोन क्राइम स्पॉट पर क्यों लेकर जाएगा? सर, होशियार सिंह के कॉल रिकॉर्ड में ज्यादा फोन नंबर भी नहीं है, और ये पता चला है कि होशियार सिंह जहीर अंसारी के ड्राइवर जमील कुरैशी के ही गाँव का है, और उसी ने उसे काम पे लगवाया था। और जब मेरी जमील कुरैशी से बात हुई तो वो बोला, साहब मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरे गाँव वाले ने ये कांड किया, लेकिन साहब उसने किसी मजबूरी में किया होगा, वो ऐसा आदमी नहीं था। मजबूरी? कैसी मजबूरी? साहब उसकी माँ को कैंसर है, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। सर, मैंने पता किया है कि होशियार सिंह की माँ को वाकई में कैंसर। यानी कि जमील को होशियार सिंह की मजबूरी मालूम थी? कहीं ऐसा तो नहीं है जमील भी इस प्लानिंग में शामिल हो? सर, जिस दिन जोया का रेप हुआ उस दिन जमील पूरा टाइम जहीर के साथ था, और ये जमील अंसारी खानदान का पुराना वफादार है। पहले जमील के फादर भी जहीर के ड्राइवर थे, लेकिन 15 साल पहले उनके इंतकाल होने के बाद जहीर ने जमील और उसकी बहन को सहारा दिया। बहन कौन? रेशमा कुरैशी। जहीर के घर में खाना बनाती है। अगर जमील जहीर का वफादार है तो हो सकता है मुमताज ने होशियार सिंह को जहीर के कहने पर रखा हो। कहीं ऐसा तो नहीं मुमताज के साथ साथ जहीर अपनी पहली बीवी नूरी की बेटी जोया के खिलाफ है? क्योंकि मुमताज और जहीर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हैं और जोया उनकी विरुद्ध बात नहीं कर पाया अब तक। लेकिन उसने डायरेक्टली मुमताज का नाम नहीं लिया है, उसने होशियार सिंह का नाम लिया है। इससे यह साबित नहीं होता कि मुमताज ही असली रेपिस्ट। सॉरी, मेरा मतलब आपका मतलब मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अपनी बेटी के साथ मिलकर गेम कर रहे हो ना? बस करो मुमताज, मैं तुम्हारा शोहर बाद में और पार्टी का लीडर पहले हूँ। मैं भी आप बस तुम दोनों के झगड़े में पार्टी की इमेज मत खराब करो। मुझे अपनी इमेज की चिंता नहीं है सर, लेकिन पार्टी की इमेज मैं नहीं ये खराब कर रहे हैं। मैं नहीं, तुम खराब कर रही हो। जहीर, तुम्हारी रग रग से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। कुर्सी का सपना छोड़ दो और अपनी बची कुची इज्जत बचाने पर जोर दो, वरना तुम्हारी बीवी और पार्टी दोनों इस तरह लात मारेंगे कि गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत सब कुछ खा गई। ए जमील, सुन रहा है ना, मुमताज को ख़त्म करना है। साहब, आप अभी होश में नहीं हैं, हम सुबह बात करेंगे। कल सुबह का सूरज देखना नहीं चाहिए उसने, आज रात को ही ख़त्म कर दे। ए, जवाब क्यों नहीं दे रहे है? बोल। साहब आपको चढ़ गई है, हम सुबह बात करेंगे ना। मुझसे जबान लड़ा था, मुझसे जबान लड़ा था। मेरे से जबान लड़ा थे? आ जा, मेरे से जबान लड़ा था। क्या हुआ? हुँ।
मुमताज। मुमताज, मुमताज, मुमताज को खत्म करना है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। हेलो, हाँ जमील को फोन दे। भाईजान तो मजब गए। आदिल, डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर, मेरे बेटे को करंट लगा है। चलो फौरन आईसीयू में लेके चलो, जल्दी। आदिल, आदिल बेटा, आदिल बेटा, आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। आदिल अंसारी की मौत दिखने में तो एक दुर्घटना लग रही थी, लेकिन उसका मर्डर हुआ था जिसका अंदाजा डॉक्टर्स को बहुत जल्दी हो गया था। सर, आदिल के सिर पे इंजरी थी और उसके फादर बोल रहे कि आदिल करंट से मरा, लेकिन उसका मुंह तो उल्टी से भरा था। अगर करंट लगता था तो उसके मुंह से झाग आना चाहिए था। ये उल्टी के चांसेस तो हेड इंजरी में ही होते हैं। सर, एक्सीडेंटल डेथ को अब बेकार में मर्डर केस बना रहे हैं। आदिल की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा उसकी डेथ एक्सीडेंटल है या मर्डर। तब तक जो कहानी सुनानी है सुना लो, हम सुन लेंगे। सर, ये वायर आदिल के पैरों में फंसा हुआ था। ये यहां से ये कट गया, उसको करंट लग के गिर गया होगा। गिरने के बाद सर पर चोट आई होगी। ये उल्टी और झाग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा सर, सर मैं सुबह 7 बजे ही अपने प्रचार के लिए निकल गई थी। जाने से पहले आप आदिल से मिली थी? जी नहीं, वो सुबह 8-9 बजे तक सोता है और जब मैं निकली तब जहीर जी भी सो रहे थे। साहब, हम तो कभी भी मुमताज़ के फ्लोर पे रुकते ही नहीं थे, और वैसे भी आज जोया को यहाँ हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी, तो मैं तो इसे लेने सुबह ही यहाँ चली आई थी। सर, वायर को पर्पसली काटा गया, और फ्लोर पे उल्टी के ट्रेसेस हैं। उल्टी को साफ भी किए गए। घर के सर्वेंट्स को बुलवाओ। सर, सर मैं 10 बजे खाना बनाने आती हूँ। जब मैं आई तो घर पर कोई भी नहीं था। सर, मैं फर्स्ट फ्लोर पर सफाई कर रही थी, तभी मैंने बड़े साहब की आवाज़ सुनी। मैं नीचे आई तो मैंने देखा बड़े साहब आदिल बाबा को लेकर अस्पताल जा रहे हैं। आपने जब आदिल की लाश देखी तो घर पे आपके अलावा और कौन फैमिली मेंबर था? जी, कोई नहीं। तो फिर आपने उल्टी खुद साफ की या किसी सर्वेंट से करवाई? सर, वहाँ उल्टी थी ही नहीं। उल्टी ही नहीं, वायर भी पर्पसली काटी गई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने अपने बेटे को मारा? मारा नहीं, तो उसकी डेथ को एक्सीडेंटल डेथ क्यों बता रहे थे? सर, वो एक्सीडेंटल डेथ ही है। एक्सीडेंटल डेथ है तो आदिल की उल्टी किसने साफ की? पुलिस अभी जोया अंसारी का केस सॉल्व भी नहीं कर पाई थी कि आदिल अंसारी की रहस्यमयी मौत का केस सामने आया। एक तरफ पुलिस आदिल की हत्या की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रही थी, वहीं जोया के रेप केस के सस्पेक्ट होशियार सिंह का गायब होना अभी तक रहस्य बना हुआ था। लेकिन आदिल की हत्या से जुड़े कुछ नए समीकरण सामने आए। सर, आदिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पे चोट लगने से हुई। हत्या का समय सुबह 8 से 10 बजे के बीच। सर, मैंने पता किया, आदिल की हत्या की पिछली रात जहीर देर रात को नशे की हालत में घर पहुंचा था। जहीर को उसका ड्राइवर जमील अपने कंधे पर उठाकर घर के अंदर ले गया और जमील अगली सुबह तक वहीं था। जमील को जहीर के दूध वाले ने सुबह गाड़ी में सोते हुए देखा था।
साहब मैं बहुत थक गया था, घर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं गाड़ी में सो गया था। और सुबह उठकर आदिल का कत्ल करके घर चला गया। साहब आप बिना वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। ये चोट कैसे लगी? आदिल से हाथापाई हुई थी? अब जहीद साहब ने मारा था, लेकिन छोटे मालिक से कोई हाथापाई नहीं हुई। जहीद ने क्यों मारा था तुझे? साहब वो बिना वजह भी मार देते हैं। और ये सिलसिला तेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तूने जहीर के बेटे आदिल का कत्ल करके जहीर को फंसाने के लिए उस पे इल्जाम लगा दिया। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। लगता है तू ऐसे सच नहीं उगलेगा। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? साहब मैंने नहीं, जहीर साहब ने मारा होगा। तू खुद को बचाने के लिए तो जहीर को नहीं फंसा रहा? साहब उनके सर पे हमेशा खून सवार रहता था, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं मुमताज मैडम को जान से मार दूं। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे मारा। धीरे धीरे सच बोल रहा है या सोच सोच के झूठ बोल रहा है? साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा, उन्होंने सच में मुझसे मुमताज मैडम को जान से मारने के लिए बोला था। वो जरूर मुमताज ने उसे भड़काया होगा। यानी तुम मानते हो कि तुम अपनी बीवी मुमताज से नफरत करते हो? मुमताज से नफरत करता हूं मैं, लेकिन अपने बेटे से नहीं। यानी कि तुमने जमील को मुमताज को मारने के लिए बोला था? नशे में बोला था, लेकिन उस नमक हराम ने मुमताज को यह बात जाके बोल दी और मुमताज ने मेरे बेटे को मारकर मुझे ही फंसाया। वो चालक है, वो जितना मुझसे नफरत करती थी उसे कई गुना ज्यादा मेरे बेटे से नफरत करती थी। सोया का रेप भी उसी ने करवाया है, होशियार सिंह को भी उसी ने गायब करवाया है। इतना सब कुछ जानते हो तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन होशियार सिंह के गायब होने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। पर इससे पहले कि मैं आपको आके कुछ बोलता, मेरे बेटे को मारकर उसने मुझे फंसाया, अपनी चाल चल दी। मैं मानती हूँ सर कि आदिल की मुझसे बनती नहीं थी, पर तुम उसकी माँ हो। जहीर भी तो उसका बाप ही है। पर जहीर जी के सगे वाले मुझे अपना दुश्मन मानते हैं, हो सकता है कि उनके कहने पर जहीर जी बहक गए। पर आपके बेटे को तो आपके दुश्मन ही सगे लगते थे। उसके पीछे भी जोया और उसकी माँ का हाथ था, उन्होंने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया था। पिछले एक साल तक मेरे और आदिल के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने वो नौकरानी को उसके पीछे लगाया तब से आदिल मेरे खिलाफ हो गया था। नौकरानी कौन? सर रेशमा। आदिल को गलत फहमी थी कि रेशमा उससे प्यार करती है। जोया ने ही रेशमा को आदिल को फंसाने के लिए कहा था। हो सकता है कि आदिल को उनका सच पता चल गया हो और उन्होंने मेरे बेटे को खत्म कर दिया। मैं मानती हूँ कि मैं आदिल से प्यार करती थी, लेकिन किसी के बहकावे में आके मैंने उनसे प्यार नहीं किया। आदिल की अम्मी बहुत बुरी असाए, आदिल की मौत के बाद उन्होंने मुझे पैसे दे के कहा कि मैं आपसे बोल दूँ कि जोया मैडम ने मुझे आदिल को फंसाने के लिए कहा। यानी कि तुमने उनसे पैसे भी ले लिए और उनकी हकीकत भी हमें बता दी। जबरदस्ती दी उन्होंने और धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो जोया मैडम की तरह मेरा भी रेप करवा देंगे। सर, जिस मोप पे आदिल की उल्टी के ड्रेसेस मिले थे उसके हैंडल पे मुमताज के फिंगरप्रिंट मिले हैं। मतलब वो वोमिट मुमताज ने साफ की और उसकी एलिबाई कंफर्म करने के लिए उसके ड्राइवर और कार्यकर्ताओं ने झूठे बयान दिए। आखिरकार जो एविडेंस पुलिस को मिले वो आदिल अंसारी की हत्या का आरोपी उसकी माँ मुमताज अंसारी को बना रहे थे। वहीं मुमताज अंसारी के ड्राइवर और कार्यकर्ताओं का झूठ भी पकड़ा जा चुका था और अब उनसे होशियार के गायब होने का राज उगलवाया जा रहा था। मैं मानता हूँ कि मुमताज मैडम के कहने पे मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे नहीं पता कि होशियार सिंह कहाँ है। उन्होंने जो है कर रेप करा है ये भी मैं नहीं जानता। कितनी बार बोलूं मैंने जोया का रेप नहीं करवाया। अब तुम ये भी कहोगे कि अपने बेटे आदिल का मर्डर भी तुमने नहीं किया। आदिल इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? और कहाँ जाऊंगा मैं, जोया बाजी को हॉस्पिटल से लाने जा रहा हूँ। और हाँ, आज से मैं उनका समर्थन करूंगा, तो आपकी हाथ पक्की। उस बजात के लिए इतना पागल मत बन। बजात वो नहीं, बजात आप। मैं जनता और मीडिया को आपकी असलियत बताऊंगा। आपने जोया बाजी का रेप करवाया ना, नजर उठाने लायक नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं मानती हूँ कि जहीर जी की बीवी बनने से पहले ही वो मेरी कोख में आ गया था, लेकिन सर एक औरत बुरी हो सकती है, पर एक माँ अपने बेटे के लिए कभी नहीं बुरी होती। अगर बुरी औरत नहीं हो
तो अपने बेटे की हत्या को हादसे का रंग देकर चुनाव प्रचार में क्यों चली गई? क्योंकि तब ना तो मेरा बेटा जिंदा बचा था और ना ही मेरी ममता का कोई मोल रहा था। पिछले 19 सालों से मैं इलेक्शन का टिकट पाने के लिए नाक रगड़ रही थी, अपने बेटे को खो चुकी थी लेकिन सत्ता पाना चाहती थी। इसी सत्ता की भूख में जोया का रेप करवाया, आदिल को मारकर जहीर को फंसवाया और रेशमा को पैसे देकर जोया को भी सस्पेक्ट बनाया तुमने। मैंने रेशमा को कोई पैसा नहीं दिया और ना ही मैंने जोया का रेप करवाया है। होशियार सिंह कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुमताज अंसारी ने अपने बेटे आदिल अंसारी की हत्या करना तो कबूल कर लिया, लेकिन जोया रेप केस में अपना हाथ होने से वो लगातार इनकार करती रही। एक मिनट सर। हेलो। और इसी दौरान पुलिस को होशियार सिंह की लाश मिलने की सूचना मिली। जब रेशमा कुरैशी से सवाल जवाब किए गए तो आखिरकार उसने माना कि उसने पुलिस को पहले झूठा बयान दिया। किसने कहा था तुम्हें हमसे झूठ बोलने के लिए? बोलो। जमील भाईजान ने कहा था आपसे वो सब कहने के लिए। जमील ने? क्यों? ये सब मुझे नहीं पता था। शायद उनको जहीर साहब ने कहा होगा। रेशमा कुरैशी को तलब करने से पहले ही पुलिस को पता लग चुका था कि अब जमील कुरैशी भी फरार हो गया था। सर, जमील का फोन पिछले 4 घंटे से बंद है और आखिरी कॉल उसने जहीर को की थी। इस जहीर को लेके आओ। सर, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, अपनी बीवी मुमताज से जलन निकालने के लिए अपनी बेटी जोया का रेप कराया, रेपिस्ट को मारा और अब जमील को गायब कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। जमील और रेशमा मिलके किसी बात का बदला ले रहे हैं हमारे खानदान से। तुम बहन भाइयों को पकड़िए, उनको तोड़िए, सच क्या है अपने आप बाहर आ जाएगा। शाह बोल। जहीर अंसारी अपने बयान से जोया रेप केस को एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहा था। वहीं पुलिस एक तरफ रेशमा से भी लगातार पूछताछ कर रही थी और जमील की तलाश भी जारी थी। और इन सब के बीच जोया अंसारी ने फिर से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा राजनीति में आने का मकसद राजनीति से मुमताज और जहीर अंसारी जैसे पॉलिटिशियन को बाहर निकालकर जोया, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पर क्यों सर? किशोरी जी, सर पर बताइए तो सही, मैंने किया क्या? सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं खुद अपना रेप क्यों करवाऊंगी? तूने जिस मोरे को भगाया था वो पकड़ा जा चुका है। जमील ने सब उगल दिया। तूने जमील और उसके दोस्तों के साथ मिलकर कुकर्म का जो झूठा नाटक रचा और होशियार सिंह को बलि का बकरा बनाया। तेरी मेडिकल रिपोर्ट और होशियार सिंह की डीएनए टेस्ट सब टैली करके देख लिया है हमने। ना तो होशियार सिंह ने तेरा रेप किया और ना ही वो क्राइम स्पॉट पर मौजूद था, बल्कि तूने और जमील ने मिलकर फेक क्राइम सीन क्रिएट किया। तूने जो मिसाल दी उससे तुझे लोगों की झूठी हमदर्दी नहीं, घृणा नसीब होगी। मुमताज चाहे जैसी भी औरत है, कम से कम अपनी बेटे की तो थी, लेकिन तूने मुमताज को नीचा दिखाने के लिए उससे उसका बेटा भी छीन लिया। हाँ, क्योंकि मैं उस औरत को नीचा दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से मेरी माँ को नीचा दिखाया जाता था। उस औरत ने मुझसे मेरे अब्बू छीन लिए, इसलिए मैंने उससे उसका बेटा छीन लिया। तू तो उसकी कुर्सी भी छीनना चाहती थी, लेकिन बुरी नीयत से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। जिनकी करनी और कथनी में फर्क होता है वो चाहे जितना भी अच्छा बोलते हों, लेकिन जब करनी सामने आती है तो अच्छे अच्छों की जड़ें उखड़ जाती हैं। अरे अरे सना मैम, संभल कर। चलो भैया।
साहब, हमारी बड़ी बहू है सना, आज दोपहर को ये बोलकर गई थी कि साथ वाले सुनारे के पास जा रही है, लेकिन तब से उसका कुछ पता नहीं। सर, मैं भी आज शाम से उसको कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पहले तो उसने कॉल कट कर दिया, बाद में फोन ही बंद कर दिया। सभी रिश्तेदार के घर देख लिए, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं है। साहब, मेरी बेटी को ढूंढ निकालिए, वो पेट से है। उसके होने वाले बच्चे को कुछ तकलीफ ना हो जाए सर। अल्लाह के लिए ऐसी मनहूसियत मत फैलाओ, बच्चे को कुछ नहीं होगा। साहब, आप उसे ढूंढिए, वापस आएगी तभी तो पता चलेगा ना कि वो क्यों गई थी, कहाँ गई थी। आप लोग अभी जाइए, सुबह होने तक इंतजार कीजिए, शायद वो वापस आ जाए। हम लोग भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। जाइए नेगी, सुबह ज्वेलर के पास जाके पता करो कि ये आई थी कि नहीं। सर, सना जी यहाँ पर नहीं आई सर, और अगर आई होती तो मैं आपको जरूर बताता सर, उनकी फैमिली के साथ मेरा घर जैसा रिलेशन है सर। सीसीटीवी की फुटेज दिखाइए जरा। यस सर। हाँ नहीं, बोलो। सर, मैंने ज्वेलरी शॉप ओनर से बात किया, उसने कहा कि सना यहाँ आई नहीं, और सर वो सच कह रहा है क्योंकि मैंने इस बात को यहाँ की सीसीटीवी फुटेज से भी वेरीफाई किया। तो उसके घर वालों ने झूठ क्यों बोला? आज दोपहर को ये बोलकर गई थी कि साथ वाले सुनारे के पास जा रही है। सर, बातें काफी उलझी हुई लग रही हैं। नेगी, बातें तो तब उलझती है जब उन्हें झूठ के धागों से बुना जाता है। सना प्रेग्नेंट है और गायब है, और यही बात अपने आप में काफी सवाल पैदा करती है। अब हमें ये पता करना है कि कौन झूठ बोल रहा है, सना के ससुराल वाले या फिर खुद सना। सर, ये भी तो हो सकता है कि रास्ते में सना के साथ कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसी हो गई और उसे किसी अस्पताल में एडमिट किया हो। सकता नहीं, आसपास में जितने भी हॉस्पिटल्स है, रिक्शा स्टैंड है, वहाँ पता करो, सना के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, और उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन क्या थी वो भी पता करो। जी सर, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा सना अपनी ससुराल वालों से झूठ क्यों बोलेगी। अभी तो ये कहना मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। सना के माँ बाप से मिलकर पता करते हैं कि उसके साथ ससुराल में क्या हो रहा है, हो सकता है कि वो वाकई किसी मुसीबत में। खुदा के लिए चुप हो जाओ आसमा, हमारी बच्ची मिल जाएगी, पुलिस ढूंढ रही है उसे। साहब, हमारी बच्ची, कुछ पता चला उसका? साहब, 8 महीने की प्रेग्नेंट है वो। उसी सिलसिले में हमें आपसे बात करनी है। सना की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था कि वो अपने ससुराल वालों से झूठ बोलकर घर से निकली थी? साहब, मोम थी मेरी बच्ची, लेकिन फरहान से निकाह के बाद औलाद बनकर उसे बहुत कुछ सहना पड़ा था। निकाह के 4 साल बाद भी जब उसे बच्चा नहीं हुआ ना, तो उसकी सास ने उसका जीना हराम कर रखा था। सना मेरा बच्चा, बिल्कुल फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तेरे अब्बू अम्मी तेरे साथ है। आसमा बहन, भाई साहब, जरा बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। सलमा बहन, खुदा के लिए हमारी बेटी पर रहम कीजिए। अरे रहम कीजिए, रहम कीजिए, और कितनी बार रहम करूं? अगर आप अपनी बेटी के लिए रो रही है ना, तो मुझे भी अपने बेटे की फिक्र है। 2 बार पहले ही बच्चा गिर चुका है, इस बार अगर उसने मुझे घर का वारिस नहीं दिया ना, तो मैं अपने बेटे का दूसरा निकाह पढ़वा दूंगी। हाँ सर, अम्मी सना पे प्रेशर डाल रही थी, लेकिन उन्हें तो बस एक बच्चे की आरजू थी जो अगले महीने आने वाला है। वैसे अम्मी भला सना के लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेगी? साहब, घर में बच्चे की ख्वाहिश रखना कोई गुनाह तो नहीं है ना? ये मेरा बड़ा बेटा है, बिन औलाद रहेगा तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। ये मेरे छोटे बेटे की बीवी आफरीन है, इसको एक बच्ची है, मैं तो इसलिए कह रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पता नहीं क्यों चली गई। सना कौन से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाती थी? सर, मेरे शौहर खुद एक डॉक्टर हैं और सना भाभी की देखरेख वही कर रहे थे। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस बार प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी? जी नहीं, इस बार की प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और सना भाभी सिर्फ मेरी पेशेंट ही नहीं बल्कि मेरी भाभी जान भी है। उनका यूट्रस वीक था, इसलिए 2 बार उनका मिसकैरेज भी हुआ था। ये ऐसा तो नहीं कि पहले 2 बार यूट्रस कमजोर था इसलिए बच्चा गिराना पड़ा था, और इस बार नियत कमजोर थी इसलिए बच्चा गिराने का प्रेशर था उन पर। मेरा मतलब लिंग परीक्षण से। देखिए सर, ना तो मेरे घर वालों की ऐसी सोच है, और ना इस तरह का कोई गलत काम मेरे क्लिनिक में होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो मेरे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, या फिर बाहर बैठे हुए मेरे पेशेंट से पूछताछ कर सकते हैं। ना तो मैं गलत काम करता हूँ, और ना गलत काम में किसी का साथ देता हूँ। सना से आखिरी बार कब मिले थे और कहाँ मिले थे? घर पे, कल सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त। ठीक है। हेलो, क्या? मैं आता हूँ।
जब भी कोई औरत गर्भवती होती है तो उसे एक एक कदम संभल कर चलना होता है, क्योंकि अगर उसे जरा सी भी तकलीफ होगी तो उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट सना को अगवा करके कौन उसके साथ इतनी बेरहमी से पेश आ रहा था। सना के परिवार में से अब तक किसी को भी फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया था, तो क्या इस किडनैपिंग के पीछे का मकसद कुछ और ही था? सना के कॉल रिकॉर्ड सर, सना की सास के मुताबिक सना दोपहर 2 बजे घर से निकली ज्वेलर की दुकान जाने के लिए, और सना के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जैसे ही वो घर से निकली उसने अपने देवर एजाज को फोन किया था। एक बार नहीं, कई बार उसका फोन शाम 5 बजे स्विच ऑफ हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका फोन जहाँ स्विच ऑफ हुआ उसकी मोबाइल की लोकेशन एजाज के क्लिनिक के आसपास की ही थी। सर, सना के कॉल रिकॉर्ड से ये भी पता चला कि उसके और एजाज के बीच अक्सर बातें हुआ करती थी। नेगी, ये फैमिली जितनी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। एक ही घर में रहते हुए भाभी और देवर के बीच इतनी सारी बातें, वो भी फोन पर, क्यों? अरे कोई दरवाजे पे आया, तेरा ध्यान ही नहीं है। नमस्ते। नमस्ते। उमा बहन, सना घर में नहीं है, बाद में आना। कब तक आ जाएगी? जैसे आ जाएगी मैं बुला लूंगी। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते। क्यों इतना उदास हो रहा है? देख बेटा, किसी के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। चिंता मत कर, खालिद भाई साहब अभी भी अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करने के लिए तैयार है। तू जब हाँ करेगा मैं तेरा दूसरा निकाह पढ़वा दूंगी। अल्लाह के लिए शर्म कीजिए अम्मी, प्लीज। सना गायब है और आप ऐसे सोच भी कैसे सकती है? अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? क्या मैं नहीं जानती कि तू सना से खुश नहीं था? और मुझे पता है तू रात रात भर किससे बातें किया करता था। देख बेटा, शौहर के कदम तभी लड़खड़ाते हैं जब उनका बीवियों से मन ऊब जाता है, उनके रिश्तों में खटास आ जाती है, प्यार नहीं रहता। मैं तो कहती हूँ दूसरी शादी कर ले, सना आ जाएगी तो उसे भी रख लेंगे। अम्मी, आपको ना बस अपनी ही पड़ी है। अरे फरहान बेटा, आप लोगों का दिमाग तो ठीक है, यहाँ मेरी बीवी गुम हो गई है और आप ही के नए किस्से बना रहे हैं। बातें वही होती है जहाँ किस्से बनते हैं। बस बहुत हो गया, आप ऐसे सोच कैसे सकते हैं कि मेरा छोटा भाई मेरी ही बीवी के साथ ये ऐसा कुछ करेगा? फरहान, हमें क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए वो हम पर छोड़ दो। फिलहाल तुम इतना बता दो, क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि सना के पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा ही था? गलती मेरी से ही हुई है। अगर मुझे पहले ही पता होता कि मेरी बीवी गुम होने वाली है और आप ऐसे बेहुदा सवाल करने वाले हैं, तो आपकी तसल्ली के लिए पहले से ही मैं पैटर्निटी टेस्ट करवा के रखता। उस दिन एजाज सर और सना मैडम के बीच किसी बात को लेकर बहुत लड़ाई हुई थी। मैम गुस्से में थी और रोते रोते हॉस्पिटल से अकेले ही निकल गई। ये लड़ाई हुई क्यों थी? ये तो पता नहीं साहब, पर बड़ी बात हुई थी। अपने बेबुनियाद सवालों से इस घर में दरार डालने से अच्छा है कि आप सना भाभी को बाहर जाकर ढूंढिए, जो कि आपका काम है। अच्छा, तो कुछ सच्चाइयां आप लोगों को बता ही देता हूँ। मुझे यकीन है आपके शोहर एजाज ने घर में ये बात किसी को बताई नहीं होगी, लेकिन सना ने घर से निकलने से पहले एजाज को कॉन्टेक्ट किया था। और हाँ, सना किसी ज्वेलर के पास नहीं गई थी बल्कि एजाज के नर्सिंग होम में गई। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से सना के मोबाइल की आखिरी लोकेशन एजाज के नर्सिंग होम के आसपास थी। आफरीन, हम लोग हमारा काम ही कर रहे हैं। देखिए आप मुझे छोड़िए, देखिए आप मुझे छोड़िए, मेरे हॉस्पिटल चुपचाप चलो हमारे साथ, क्या करेंगे मेरे साथ आप भी? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? सर मेरा विश्वास मानिए सर, ना भाभी और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं था जैसा सोच रहे हैं सर आप। सर मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ सर। सर सना भाभी नहीं सर, और भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे यहाँ, फीमेल पेशेंट, सबके टच में रहता हूँ सर मैं। टच में नहीं रहता है तू, आमने सामने रहता है। दीपक, अरे सना मैम संभाल कर, तेरे नर्सिंग होम का सीसीटीवी फुटेज है। जब तेरा बयान लिया था तब तूने कहा था कि सना को तो आखिरी बार तेरे घर पर मिला था, तो ये क्या है? सना तुझसे मिलने तेरे क्लिनिक में भी आई, बोलेगा या और मार खाएगा? सर आई थी वो मेरे क्लिनिक पे सर, हमारी लड़ाई भी हुई थी सर, लेकिन उसके बाद वो चली गई थी सर। आप चाहे तो वहां के दूसरे लोगों से पूछ सकते सर। क्या करना है और क्या नहीं करना है वो हम तय करेंगे, तू सिर्फ इतना बता दे कि सना के साथ तेरा झगड़ा क्यों हुआ था। सर सना भाभी अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत टेंशन में थी सर, क्योंकि अम्मी आए दिन कुछ ना कुछ उनको सुनाती रहती थी,
इसलिए उन्होंने उस दिन सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया, वहाँ से चली गई। सर मुझे डर था कि डिप्रेशन में आके वो खुद के साथ कुछ करना बैठे सर, इसलिए उस दिन मैंने आपके साथ झूठ बोला सर। नर्सिंग होम के सीसीटीवी और वहाँ के लोगों से बात करने से पता चला कि सना वहाँ से अकेली गई थी और डॉक्टर इजाज़ आधी रात तक नर्सिंग होम में ही काम कर रहा था। पास में जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। नहीं सर, वहाँ भी पूछताछ कर ली, लेकिन नर्सिंग होम होने की वजह से वहाँ बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें आती हैं तो कुछ पक्का पता नहीं चल सका। नेगी, इस सना का दो बार मिसकैरेज होने के बाद वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और गायब हो गई। मुझे लगता है इस फैमिली को अच्छे से टटोलना होगा। हमारे सारे सवालों के जवाब वहीं से मिलेंगे हमें। जी सर। हेलो, शरण नहीं आई, क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच बता। अरे अपनी भाभी के साथ तूने छोड़ी से। शर्म तो मुझे आ रही है कि मेरी कोख ने इसको जन्म दिया। सच सच बताइए आप, भाभी के और आपके बीच में क्या चल रहा था? अरे मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा था तू? भाई कहलाने लायक ही नहीं है तू। हाथ हटाइए भाईजान। छोड़ो तुम दोनों, जिसकी वजह से तुम दोनों लड़ रहे हो ना वो तो घर में है नहीं, एक बार उसे घर पे आने दो। मैं क्या हाल करती हूँ उसका। सर, सभी के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, सना के साथ सलमा और उसकी देवरानी आफरीन के खिलाफ कुछ नहीं मिला, लेकिन उसका पति फरहान, लगता है वो उसकी बॉस नेहा का काफी करीबी है। दोनों के बीच लेट नाइट तक फोन पे मैसेजेस और बातें हुआ करती है और पिछले महीने में फरहान की मोबाइल की लोकेशन नेहा के घर के आसपास 5 से 6 बार थी। हो सकता है फरहान के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद ये सना खुद घर छोड़कर कहीं चली गई होगी, या फिर फरहान को अपने छोटे भाई और सना के नजदीकी के बारे में पता चल गया होगा और इस नेहा के चक्कर में उसने उसे गायब कर दिया होगा। स्टाफ से पूछताछ करो कि फरहान और नेहा के बीच क्या चल रहा था। सर अक्सर फरहान और नेहा मैम ऑफिस आवर्स के बाद कैबिन में बंद रहते थे। हाँ सर, मैंने एक दिन देखा था, मैडम अपना केबिन लॉक करना ही भूल गई। मैडम के साथ फरहान सर को बहुत बार देखा है, मैडम तो उसे अपनी कार में पिक करती थी उसके घर से। अब तक की तहकीकात में सना के परिवार से जुड़ी काफी अजीब बातें पुलिस के सामने आई थी। बाहर से पुरसुकून दिखने वाले रिश्तों में अंदर से बेकरारी भरी हुई थी, रिश्तों में आई दरारें साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस के शक के दायरे में अब भी परिवार के सभी लोग थे। लेकिन सवाल यह था कि लाचार और बेबस प्रेग्नेंट सना पर यह जुल्म क्यों उठाए जा रहे थे, आखिर सना के साथ क्या होने वाला था। फरहान के ऑफिस एम्प्लॉय से यह बात कंफर्म हुई है कि फरहान और नेहा के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उठाकर लेकर और इस फरहान और नेहा को। जी सर। आज हमारी गाड़ी में बैठो। चल ले चले से। चला। क्यों? क्यों लेके? अरे क्या बदतमीजी है? Leave my hand. अच्छा leave my hand. कब से चल रहा है ये सब? 6 महीने से। हम दोनों अपने अपने फायदे के लिए इस रिलेशनशिप में थे। मुझे पैसे और प्रमोशन की जरूरत थी और नेहा को किसी मर्द का साथ। ये हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था। हम दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। नहीं सर, मैंने नेहा से कभी प्यार नहीं किया, ये जो सब था वो सिर्फ काम के लिए था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी सना से प्यार किया है सर, और हमेशा करता रहूंगा। अगर तुम इसे प्यार कहते हो तो फिर धोखा किसे कहते हैं? ओ प्लीज इंस्पेक्टर, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। जो कुछ हुआ हम दोनों की रजामंदी से हुआ, उसे जो चाहिए था उसे मिला और मुझे जो चाहिए था मुझे। और हाँ, बाद में मैं उससे प्यार भी करने लगी थी। तो कहीं इस नाजायज रिश्ते को जायज बनाने के लिए तुम दोनों ने ही सना को गायब तो नहीं किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और सेकंडली इट वाज जस्ट अ फीलिंग। नहीं नहीं सर, सना माँ बनने वाली थी, मैं भला उसके साथ ऐसे क्यों करूंगा। मैं बताता हूँ, तुम्हारा नेहा के साथ अफेयर चल रहा था, नेहा एक कामयाब औरत थी और तुम्हें कामयाबी का बुखार चढ़ा हुआ। दूसरी बात, सना का और तुम्हारे भाई का अफेयर चल रहा था, ये बात तुम्हें शायद पता चल गई होगी और तुमने उसके साथ कुछ किया होगा। चल बता दे, कहाँ गायब किया सना को? यकीन मानिए सर, मुझे नहीं मालूम सना कहाँ पे। मैं मन ही मन बहुत शर्मिंदा हूँ सर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, मैं मुजरिम हूँ सर सना का। हेलो सर, यहाँ एक डेड बॉडी मिली है। सर क्या?
जाइए, पीछे हो जाइए। ये तो सना है। एक माँ बनने वाली औरत को इस तरह मारने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? नफरत, दुश्मनी? सिर्फ माँ को मारा है या बच्चे को भी मारा है? आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर। देखा, मैं कहता था ना कुछ नहीं होगा, और डॉक्टर ने भी कह दिया कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब तो खुश हो ना? हाँ, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन 12 साल बाद मेरी गोद भरी है। हाँ, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। चलो मंदिर चलते हैं, भगवान के आशीर्वाद भी ले लेंगे। सर, सना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, एक शॉकिंग न्यूज। क्या? इसके मुताबिक सना प्रेग्नेंट नहीं थी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? एजाज कहाँ है? होगा अपने नर्सिंग होम में। क्यों, क्या हो गया? सना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सना प्रेग्नेंट नहीं थी। ये नामुमकिन है, आपकी रिपोर्ट ही गलत है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? सोनोग्राफी की रिपोर्ट है हमारे पास। ये देखिए सोनोग्राफी की रिपोर्ट। मेरा बेटा खुद इलाज कर रहा था उसका। अब क्या जवाब है आपके पास? इसका जवाब हम नहीं, आपका डॉक्टर बेटा देगा। अरे सुनो। जी सर। डॉक्टर एजाज कहाँ है? साहब को आज सुबह से मैंने देखा नहीं है, शायद वो नहीं आए हैं। पुलिस के लिए खुलासा हैरान कर देने वाला था कि सना प्रेग्नेंट नहीं थी। क्या सना जानती थी कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट नहीं है? क्या सना मुजरिम थी या फिर वो खुद किसी जुर्म का शिकार थी? उसके साथ ये सब किसने किया था, किसने मारा था उसे? उसके पति फरहान ने, उसकी सास ने, उसके देवर एजाज ने, या उसकी देवरानी आफरीन ने, या फिर कोई और ही था इस साजिश के पीछे? आफरीन, तुम्हें तो पता ही होगा कि एजाज कहाँ है। जी नहीं सर, मुझे नहीं पता। तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि सना प्रेग्नेंट नहीं थी। सर, पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच कुछ हरकतें तो चल रही थी, और एजाज भी मुझसे कुछ कटे कटे से रहते थे। एजाज, आपका फोन। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ परेशान लग रहे हैं। और सना भाभी को क्या हुआ? फोन किसका आया था? अब पता नहीं। हेलो। वो मुझसे कुछ छुपा रहे थे, मुझे लगा था कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि एजाज अपनी भाभी के साथ ऐसा क्यों करेंगे, और अगर उनके पेट में बच्चा नहीं था तो वो उनको धोखे में क्यों रखेंगे? एक औरत के जज्बातों के साथ वो ऐसा क्यों करेंगे? आफरीन, तुम्हारे इन सारे सवालों के जवाब एजाज ही देगा। एजाज अगर यहाँ आता है या आप लोगों को कॉन्टैक्ट करता है, तो सबसे पहले आप लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे, और अगर आप लोगों ने एजाज को बचाने की कोशिश की तो हमारी और आपकी अगली मुलाकात लॉकअप में होगी। अभी मुझसे चला नहीं जा रहा है जी। यहाँ थोड़ी दूर पर जाकर रिक्शा मिल जाएगा। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर रिक्शा लेकर आता हूँ। सना और एजाज के बीच उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा? अरे एजाज अचानक गायब कहाँ हो गया? नेगी, एजाज के नर्सिंग होम में जाकर उसके और पेशेंट के बारे में पता करो, कहीं सना की तरह किसी और पेशेंट को भी इसने फेक प्रेगनेंसी का झांसा न दिया। और हाँ, इस एजाज का मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब ट्रैकिंग पे डाल दो। अल्लाह का कहर पड़ेगा तुम लोगों पर। अरे एक दिन भी हमारी बेटी चैन की सांस नहीं ले पाई तुम्हारे घर में, और वो तुम्हारा बेटा एजाज।
उसने तो हद कर दी। मेरी बेटी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया, उसे झूठ बोला कि वो माँ बनने वाली है, और जब उसका झूठ सामने आया तो मेरी बेटी को मार ही डाला उसने। कसूर मेरे बेटे का नहीं है, तेरी बेटी का कसूर है। मनहूस थी मनहूस, क्या खुशी दे पाई मेरे बेटे को, एक बच्चा तक तो दे नहीं पाई। बात करती है, अरे उसकी वजह से तो मेरे बेटे की नौकरी चली गई, और मेरा दूसरा बेटा, दूसरा बेचारा पता नहीं पुलिस से डरते हुए कहां-कहां ठोकरें खाते फिर रहा है। पता है इनका बेटा हमारी बेटी को मार के भागा है, अगर मुजरिम ना होता तो आज सामने खड़ा होता ना। बहुत गलत किया आप लोगों ने हमारे बच्चे के साथ, बहुत पछताओगे आप लोग, एक-एक खुशी के लिए तड़पोगे तुम लोग। उस दिन से आप तड़प ही रहे हैं, जिस दिन तुम्हारी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ हुआ था। अरे इतना शुक्र करो कि हमने तलाक नहीं दिया अभी तक। देखो कैसी बातें करिए सलील लोग, चलो। अरे जाओ जाओ, कहां से उठ के चले आते भिखारी लोग। सर, सना के बैंक से पता चला है, उसने अगस्त में अपने 3 लाख की एफडी तुड़वाई और वो पैसे उसने एजाज के अकाउंट में ट्रांसफर किए। उसी दिन एजाज ने 1 लाख रुपए बिरजू के अकाउंट में ट्रांसफर किए, और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में 50,000 रुपए बिरजू के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। ये बिरजू वाल एजाज के नर्सिंग होम का वार्ड बॉय। वार्ड बॉय ये तो पता नहीं साहब, पर बड़ी बात हुई थी साहब को आज सुबह से मैंने देखा नहीं। तो वार्ड बॉय के साथ मिलकर एजाज क्या खेल खेल रहा है, उठाकर लेकर इस बिरजू को। सर बिरजू आपका बच्चा चोरी कैसे हो गया? वो दिन ना। चलो 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 दर्शन करने जाना ना मुन्ना। सुनो हाँ। मुन्ने को ना भगवान के अच्छे से दर्शन करवा के लाना। स्वाति मैं मुन्ने को अच्छे से भगवान के दर्शन भी करवाऊंगा और आशीर्वाद भी दिलाऊंगा। तू एक काम कर, तू फटाफट खाना बना, वैसे मुझे नर्सिंग होम भी जाना है ना। स्वाति स्वाति क्या हुआ? बर्बाद हो गया। तुमने कहा इधर सर पे मारा पीछे से लेकर चला गया स्वाति, मैं क्या करूं? क्या चल रहा है ये सब? बता क्यों मारा सना को, और डॉक्टर एजाज कहाँ है? बोल। हमको छोड़ दो साहब, हम गरीब आदमी हैं साहब। तू और गरीब, भगवान करे इस देश में तेरे जैसे ही गरीब पैदा हो जिनके अकाउंट में 2 लाख रुपए हो। साहब किसी मत कर यार, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए साहब, मेरे पास कुछ नहीं है साहब। वही 2 लाख रुपए जो पिछले 3 महीने में डॉक्टर एजाज ने तेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। वो तो डॉक्टर साहब से हमने लोन लिया था हमारे बहन की शादी के लिए। शादी? हाँ साहब तो भी। ये 3 लाख रुपए तेरे पास कहाँ से आए? साहब ये पैसा मेरा नहीं है साहब, हमें हमें नहीं मालूम साहब। ये पैसे हमें तेरे घर से मिले थे। मानो साहब, सब खाते बोलते कि हमारा पैसा नहीं है साहब, ये पैसा हमारा नहीं है। तेरे बच्चे को किसी ने किडनैप नहीं किया था बल्कि तूने बेचा था। और सर कैसी बात कर रहे सर आप, कोई बाप अपने बेटे को बेचेगा क्या सर? चेतन इनको तू जानता ही होगा, ये तेरा ही बच्चा है, इनको ही बेचा था ना अपने बच्चे को। बोल। तेरे कॉल रिकॉर्ड के वजह से हम लोग इन तक पहुंचे हैं। तेरे जैसा बाप हो ना तो अपने बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है, और आप लोग भी, आप लोगों ने ये जो कुछ भी किया है ना वो गलत भी है और इलीगल भी है। अब चाहे तो बच्चा अडॉप्ट कर सकती थी। अब तू मुंह खोलेगा? साहब पैसों के लालच में हमने हमारा बच्चा इनको भेज दिया था, लेकिन ये सब हमारे दिमाग में डॉक्टर एजाज ने भरा था साहब। साहब डॉक्टर साहब हमसे हमारा बच्चा खरीदना चाहते थे 3 लाख रुपए में। हमारे लिए 3 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। हमने सोचा बच्चे का क्या है, बीबी और एक बच्चा पैदा कर लेगी। तभी सब 10 अक्टूबर के करीब ये लोग हमसे मिले, ये लोग हमें 5 लाख रुपए दे रहे थे, तो हमें लगा साहब पैसा ज़्यादा दे रहे थे तो हमने हमारा बच्चा इनको बेच दिया साहब।
डॉक्टर साहब और सना मैडम को मना कर दिया, इस वजह से उन दोनों में काफी झगड़ा भी होता साहब। इस बिरजू के बात पे यकीन करें तो एजाज और सना अपने ही फैमिली के साथ खेल रहे थे, बिरजू के बच्चे को अपना बच्चा बताकर धोखा दे रहे थे। अगर ये दोनों ही प्लान में शामिल थे तो फिर सना को मारा किसने और क्यों? इस एजाज का मिलना बहुत जरूरी है, समझ में नहीं आ रहा ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या है। एजाज के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो, कभी को काम पर लगा दो, और एजाज के मोबाइल पे या बैंक अकाउंट में कुछ भी हरकत होती है तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करो। सर हेलो सर, शिव मंदिर वाले रोड के पास एक लाश मिली है। ठीक है हम अभी आते हैं। आइए सर, मैंने ही आपको फोन किया था। सर इस औरत का भी पेट काट के मारा गया, और अगर ये बच्चा इसी का है तो कोई प्रेग्नेंट औरत को क्यों टारगेट कर रहा है? नहीं, बहुत हो गया दरिंदगी का खेल, अब इस दरिंदे का शिकार करने का वक्त आ गया है। एक और तकरीबन 8 महीने की गर्भवती महिला कुसुम को मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर कौन था जो गर्भवती महिलाओं को अपना निशाना बना रहा था, और इस सब के पीछे उसकी मंशा क्या थी? क्या ये सब एजाज कर रहा था? इस बेरहमी से पेट काटकर बच्चा निकालकर वो अपनी किस ज़हनियत का सबूत दे रहा था? सच जानने के लिए पुलिस इड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। सर ये केशव है, इन्होंने अपनी बीवी कुसुम की किडनैपिंग की कंप्लेंट जनकपुरी थाने में लिखवाई, लेकिन उसकी बॉडी हमारे एरिया में मिली। साहब मेरी बीवी को मार दिया साहब, मेरी बीवी को मार दिया साहब। देखिए हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, कुछ पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। पोस्टमार्टम के बाद आप बॉडी लेकर जा सकते हैं। सर कहीं इन किलिंग्स में एजाज का हाथ तो नहीं? सर 16 अक्टूबर को जनकपुरी के शिव मंदिर एरिया से कुसुम गायब हुई, पर सना एजाज के नर्सिंग होम के यहाँ से अगवा हुई जो कि चाणक्यपुरी में। दोनों की बॉडीज हमारे एरिया में मिली, ये जो कोई भी है इसके पास 4-व्हीलर होना जरूरी है इन प्रेग्नेंट औरतों को अगवा करने के लिए। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इन दोनों औरतों को नशे की दवा दी गई, दोनों का पेट सर्जिकल इक्विपमेंट से काटा गया था, और दोनों की डिलीवरी की डेट नजदीक। ये बात और है कि सना प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन उसने प्रेगनेंसी का दिखावा किया था। सर ये दोनों केसेस सेम, लेकिन बाकी सब कुछ अलग, डॉक्टर्स अलग, नर्सिंग होम अलग, जहाँ ये दोनों औरतें रहती हैं वो एरियाज भी अलग। हो सकता है कि अपराधी जो इन दोनों को पर्सनली जानता। सर्जिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया था, इसका मतलब कोई तो मेडिकल प्रोफेशन का आदमी इसमें इन्वॉल्व। ये डॉक्टर एजाज अभी भी गायब है ना? जी सर। सर डॉक्टर एजाज का क्रेडिट कार्ड होटल एलाइट में सर्च किया गया। ये डॉक्टर एजाज है, ये यहाँ रुका है। जी सर। इस बार अगर झूठ बोला ना तो सारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। बोल। सर सना भाभी के बार बार मिस कैरेजेस हो रहे थे और अम्मी ने उनकी जान ले रखी थी। इस बार जब सना भाभी का तीसरा महीना क्रॉस हुआ तो भाभी वो बच्चा सना भाभी की आखिरी उम्मीद था सर। अम्मी ने सना भाभी को कह दिया था कि अगर इस बार बच्चा नहीं हो गया तो वो भाईजान की दूसरी शादी करवा देंगे। एजाज मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो प्लीज, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा, मेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। तुम प्लीज मेरी हेल्प करो, नहीं तो मैं खुद को खुद कर लूंगी। अम्मी जान अडॉप्शन के बिल्कुल खिलाफ थी सर, और ये बात भाईजान और सना भाभी को अच्छी तरह से पता थी सर। अम्मी के दिमाग में वही सारे धक्के मुसी बातें भरी हुई थी, अपना खून, अपना बच्चा, इसलिए मैंने ही सना भाभी को फेक प्रेगनेंसी का आइडिया दिया सर। इत्तफाकन उसी दौरान मुझे पता चला कि हमारे बॉर्ड बॉय बिरजू की वाइफ माँ बनने वाली है। मैंने बिरजू से बात भी कर ली थी और वो तैयार भी हो चुका था सर, और ऐन वक्त पर बिरजू अपनी बात से मुकर गया सर। सना भाभी को जब ये बात पता चली तो वो सुनार के यहाँ जाने का बहाना करके घर से निकल के सीधे नर्सिंग होम आ गई मुझसे मिलने, और इसी बात पर हमारा झगड़ा हुआ सर उससे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती एजाज, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बच्चा ला कर दो,
मुझे कहीं से भी बचा लाके तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जिम्मेदारी तुमने वादे की तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। सना भाभी की बात भी सही थी सर, उनकी परेशानी सिर्फ मेरी वजह से थी। ये सब बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई तुम? सर एक डॉक्टर होने के नाते ऐसा कोई भी इलीगल काम करने से मेरा लाइसेंस रद्द हो सकता था सर। मैं डर गया था सर, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई सर, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। गलत काम गलत ही होते हैं, चाहे नीयत कितनी भी अच्छी हो। इसे जानते हो? नहीं सर। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, मैं भी बस आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। अगर डॉक्टर एजाज नहीं तो कौन है? नेगी, इन दोनों के सच्चे कड़ियों को हमें जोड़ना है। कुसुम और सना के फैमिली मेंबर से बात करके पता करो वो कौन लोग थे जिन्हें ये पता था कि ये दोनों 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के नजदीक थी। जी सर। अब तक तो एजाज गायब था और शक की सुई उस पर ही टिकी हुई थी, लेकिन एजाज के मिल जाने के बाद भी पुलिस ये गुत्थी नहीं सुलझा पाई कि सना को किसने मारा और उस दूसरी औरत कुसुम को किसने मारा। पुलिस ने एक मुश्किल लेकिन पुख्ता तरकीब ढूंढ निकाली। ये पता किया गया कि गर्भवती महिलाओं के करीबी और दूर के लोगों में से कितने लोग ये जानते थे कि वो औरतें माँ बनने वाली हैं। हर एक नाम को बारीकी से जांचा गया और आखिरकार उनके सामने वो नाम आ ही गया जो इन सब में कॉमन था। इन दोनों केसेस में एक कॉमन नाम सामने आया, उमा देवी। ये इन दोनों के घर पे मालिश और देखभाल का काम करने जाती। एड्रेस पता कर लिया। नेगी, तोड़ दो दरवाजा। सर। नमस्ते। सना घर में नहीं है, बाद में आना। कब तक आ जाएगी? उमा देवी। जी मैं ही हूँ। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुसुम और सना मेरी बेटियों जैसे थी, भला मैं उनको क्यों मारूंगी? उमा जी, कुसुम और सना के गायब होने के वक्त से लेकर मौत होने तक आप कहाँ थी? सर इन्हें देख के तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। सर सर एक और केस आया सेम। सर ये मेरी बहू देविका 8 महीने की प्रेग्नेंट थी सर, खो गई है। आप किसी उमा देवी को जानती है? हाँ वो मेरे पड़ोस में रहती है, मेरी बहू की मालिश करती है। उमा जी आप जिन जिन घर में मालिश के लिए जाती थी कैसे जाती थी आप वहाँ? साहब मेरा पोता राहुल ऑटो चलाता है, वो ही अपने ऑटो में मुझे ले जाता था। ठीक है, उसका नंबर दीजिए मुझे। नहीं सर। साहब क्या बात है, आप राहुल का नंबर क्यों पूछ रहे हैं? सर राहुल का नंबर ट्रेस हो गया। रुक जाओ। सर ये देखिए। आपको गलत फहमी हुई है, मेरा पोता ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो किसी को मार नहीं सकता। सर मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सर। सर। उठाओ उठाओ इसे। सर मार क्यों रहे हैं सर? मैं आपको सब बताता हूँ सर। बोल बोल बोल। सब बताता हूँ, हाँ मैंने ही सबको मारा है सर। सर मार क्यों रहे हैं सर? मैं बता तो रहा हूँ आपको सर। और क्या करता सर? मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था, पढ़ने में भी अच्छा था, नंबर भी ठीक ठाक आते थे सर। कॉलेज गया था सर एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पता चलता है डोनेशन देनी पड़ेगी पूरे 20 लाख रुपए। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आता बताइए? तो सोचा कुछ पैसे जमा कर लेता हूँ, अगर डॉक्टर नहीं बन पाया तो कुछ धंधा ही कर लूँगा, और पैसों के लिए कुछ शॉर्टकट तो चाहिए था। फिर मैंने ऑटो चलाना शुरू किया, और फिर ना सर मैंने एक दिन अखबार में भी पढ़ा कि बे औलाद लोग नवजात बच्चे के लिए 3-3 लाख रुपए देने को तैयार है। और सच बताऊं सर मैंने हॉस्पिटल से भी बच्चे चुराने की सोची थी, लेकिन फिर याद आया वहाँ तो CCTV कैमराज और सिक्योरिटी भी टाइट होती है, सोचा बच्चे को रहने देता हूँ, माँ को ही उठा लेता हूँ बच्चे के साथ। और वैसे भी सर 8-9 महीने की प्रेग्नेंट औरत में जानी कितनी होती है, और दादी जिन जिन घरों में मालिश करने को जा, मैं इन औरतों को नहीं मारना चाहता था सर, मैं तो बस अपनी दादी का सपना पूरा करना चाहता था।
डॉक्टर बनके। अरे दादी का सपना पूरा करने के लिए तो दो परिवार का सपना तोड़ दिया, उनकी खुशियां छीन ली, अब जेल में सड़कर पूरा करना अपने दादी का सपना। सर मैं तो सब बता दिया आपको, मैं कुछ नहीं छुपाया आपसे सर। सर सॉरी सर, गलती हो गई, मेरी बात तो सुन लो, मैंने सब बता दिया आपको। चाहतों के आसमान में उड़ने में कोई बुराई नहीं है, शर्त बस इतनी है कि पैर जमीन की सच्चाई को ना छोड़े, वरना इंसान मुंह के बल गिरता है। फरहान को ज्यादा पैसा और प्रमोशन चाहिए था और इसी वजह से उसने अपनी बॉस नेहा के साथ संबंध बनाए। सलमा को सना से फरहान का वारिस चाहिए था, जिसके लिए डॉक्टर एजाज ने गलत रास्ता इख्तियार किया। सना को अपनी शादी को बचाने के लिए बच्चा चाहिए था, इसलिए वो एजाज की बातों में आ गई। और राहुल को डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, जिसके लिए उसने खौफनाक जुर्म का रास्ता चुना। लेकिन इन सब की चाहतों का अंत बुरा ही हुआ। जुर्म का रास्ता चुनने की बजाय अगर इंसान अपनी प्रतिभा पर भरोसा करे और कोशिश करता रहे तो वो जरूर कामयाब हो सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।